माधवनगर अस्पताल में 5 मरीजों की मौत होने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। पुलिस ने कांग्रेसियों को किया गिरफ्तार। जी हम आपको बता दें, उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में अचानक से एक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। पहले तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन के साथ नोडल अधिकारी सुजान सिंह रावत की गाड़ी पर किया था पथराव। इधर देर शाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर धरना दे दिया। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने मांग की कि जवाबदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। वहीं समझाइश देने पहुंचे SDM नरेंद्र सूर्यवंशी और पूर्व जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रभान सिंह चंदेल के बीच हुई तीखी नोकझोंक, जिसके बाद SDM नरेंद्र सूर्यवंशी ने कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक धरने से हटाकर माधवनगर थाने पुलिस थाने पहुंचाया। हालांकि जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने ऑक्सीजन की कमी को गलत बताया है। चंद्रभान सिंह चंदेल, मुख्तियार कुरैशी, बबलू खींची, नाना तिलकर, दीपेश सिंह, मोहसिन आदि मौके पर मौजूद थे। माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से 5 लोगों के मृत्यु होने की एक भ्रामक खबर या अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। ये खबर पूरी तरीके से गलत है, ये एक अफवाह है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माधवनगर अस्पताल में पूरी की पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई एक सेंट्रलाइज लाइन के माध्यम से करी जाती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती तो सारे मरीजों को एक साथ प्रभाव पड़ता। ऐसा नहीं है कि कुछ ही मरीज उससे प्रभावित होते। पिछले 24 घंटे में या उससे पहले कभी भी एक सेकंड के लिए भी माधव नगर अस्पताल की जो ऑक्सीजन की लाइन है उसकी आपूर्ति में एक सेकंड के लिए भी बाधा नहीं आई है। ना ही पिछले 24 घंटे में या उससे पहले कभी ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान मत दें, और अगर सोशल मीडिया पे इस प्रकार की कोई अफवाहें फैलाता पाया गया, डर अनावश्यक का जनता के बीच में फैलाता पाया गया, तो उसके खिलाफ़ न केवल धारा 188 में बल्कि महामारी एक्ट में भी प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।